बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से रायपुर से जनावर रायपुर पीएचक्यू के पास फायरिंग, चौधरी बटालियन के जवान ने की फायरिंग। चौधरी बटालियन के अधिकारी जांच में जुटे हैं, राखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर रायपुर से, चौधरी बटालियन के अधिकारी जांच में जुटे हुए, राखी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना पूरा मामला बताया जा रहा है। जनावर रायपुर पीएचक्यू के पास फायरिंग से जुड़ी ये पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं। 14 बटालियन के जवान ने ये फायरिंग की है और अधिकारी जो है वो अब जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। राखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फायरिंग से जुड़ा ये पूरा मामला नवा रायपुर के पीएचक्यू के पास से फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि 14 बटालियन के जवान ने ये फायरिंग की है और 14 बटालियन के जो अधिकारी है वो आपको बता दें जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तो मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, ये फायरिंग का मामला पीएचक्यू से सामने आया, क्या कुछ डिटेल्स? जी देखिए, पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा के लिए 14 बटालियन के कंपनी पीएचक्यू परिसर में ही तैनात है। यहाँ जवान जो है, सीएफ के जो जवान है वे पीएचक्यू की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और आज सुबह की यह घटना बताई जा रही है। करीब 9 बजे की यह घटना है, जो कि सीएफ का जवान राकेश यादव आज ड्यूटी पर तैनात था। हालांकि राहत की बात यह है कि क्योंकि सुबह 9 बजे की यह घटना है तो पीएचक्यू में कोई भी बड़े अधिकारी कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण किसी भी प्रकार के किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 12 राउंड फायरिंग जो हुए हैं तो अचानक से किस कारण से हुए, इसे लेकर जो है सीएफ के अधिकारी जांच कर रहे हैं। जैसे ही वहां पर गोली चलने की आवाज आने शुरू हुई तो अन्य जो जवान थे वे दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और तब तक के जो है 12 राउंड फायर हो चुके थे। इसके बाद जो है तुरंत इसकी सूचना सीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और सीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जो है कंपनी कमांडर को भी मौके पर भेजा है और इसके बाद इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। साथ ही साथ जो है इस मामले की सूचना जो है राखी थाना पुलिस को भी दी गई। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है कि जवान डिप्रेशन में था, यह जानकारी अभी आई है। वही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संभवतः यह घटना जो है दुर्घटनावश चल गई होगी, क्योंकि ट्रिगर में हाथ दब गया होगा और उसके कारण ही जो है लगातार एक साथ जो है 12 राउंड फायर हुए होंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। तो अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा, पूरी जांच पड़ताल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार के लक्ष्य को सफल बनाने में जुटे पीएम मोदी लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार